बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जिहड़े मापे आपके बच्चों बाहर भेजना चाहते हैं, उन्होंने कोई घबराने की लोड़ नहीं है, किसी चक्कर च पैण की लोड़ नहीं है, किसी भरमचाल च पैण की लोड़ नहीं है। ये गल हकीकत है कि कोई फ्लाइट नहीं चलती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बाहरली खुली, कोई देश अपने नागरिकां बाहरलियां नागरिकां नूं लैण नूं तैयार नहीं है। तो असी की कीता कि साडियां जिहड़ियां यूनिवर्सिटी पार्टनर यूनिवर्सिटी ने जिथे बच्चे जाते सी उन्हां ने सानूं अथोराइज कर दिता कि तुसीं एक तो लैके दो साल तक इत्थे पढ़ाओगे और उस तो बाद बच्चे जिहड़े आ उह ट्रांसफर लै सकदे आ। क्रैडिट ट्रांसफर प्रोग्राम दिता हैगा, एक साल जां दो साल उहदी मर्जी मुताबिक है। अगर आस्ट्रेलिया में जाना एक साल इत्थे पूरा करूगा, दो साल आस्ट्रेलिया पूरा करूगा, डिग्री उत्थों दी मिलेगी। इसे तरीके अमेरिका में जाना दो साल इतने पूरा करूगा, दो साल अमेरिका जाके करूगा, डिग्री उत्थे दी मिलेगी। और सारे ही एडवांटेज जिहड़े उत्थे दे हैगे ने, चाहे उत्थे उन्हें कोई इमीग्रेशन लैनी है, चाहे वर्क परमिट लेना, वो सारे ही बाकी जिहड़े बच्चों नूं मिलणगे। दोनों का गठजोड़ हो गया तो उत्थे बच्चे की सेफ्टी का जिहड़ा कोई डर नहीं रहिंदा, बच्चे नूं कोई खतरा नहीं है, वो हर तरह का महफूज है। वो फिजिकली हैल्थ के तौर पर महफूज है, वो पैसे महफूज है, वह फ्यूचर महफूज है, तो सुरक्षित है। क्योंकि क्रैडिट जदों इत्थों कंप्लीट करेगा, शर्त इन्नी है, वो शर्त पूरी करन दे बाद वो बच्चे दी ऑटोमैटिकली इत्थे दी पढ़ाई उत्थे ट्रांसफर हो जानी है। डेली पोस्ट पंजाबी दे दर्शकों का स्वागत है। लॉकडाउन करफ्यू चलिया तो उदू बाद हुण कहीए कि जिंदगी तो पटरी ते आउणी शुरू हो चली है, ढिल्लां बहुत सारियां मिल गईयां ने आम तौर ते, पर हजे भी कुछ अदारे बंद ने। पर अज असीं गल करांगे कि आखिरकार कई दिनों तो सवाल यह चल रहा सी, लोग भी असीं देखिया सोशल मीडिया ते चर्चा कर रहे हैं कि जिहड़े बच्चे बाहर जाना चाहुंदे ने उहदे विच दो डर ने। एक तो यह डर है कि आखिरकार बच्चा साडा सुरक्षित रहूगा, जिहड़े मापे सोचते हैं तो अगे जवाक सोचते हैं। दूजा उहदे विच इह चीज़ है कि कितना कितने जिहड़े ट्रैवल एजेंटां का खतरा वो हरेक किसी के सिर मुड़ाउंदा है, किते विश्वास किया जाए किते ना किया जाए। यह तमाम चीज़ों नूं लैके असीं जानना चाहिए कि आखिरकार इन्हां दा हुण हल की निकलूगा, अगे इहदे विच बच्चों की पढ़ाई में भी कोई नुकसान ना हो, बाहर जा के जे पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने भी चंगा प्लेटफॉर्म भी मिल जाए, राह भी चंगा मिल जाए। तो इसे दौरान जो गल की जाए तो असं पहुंचे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कई नवे प्लेटफॉर्म शुरू करे ने। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलियां तो नहीं है, पर जोड़े बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं आखिरकार एक जो सिक्ख्यक विदारा अदारा है वह दस सकता कि आखिर चंगे राह की ने, तो बाहर आला हूँ नवा कॉन्सैप्ट की शुरू कराया। साढ़े ना सतनाम संधु है गे चांसलर ने यूनिवर्सिटी के, सीधा इन्हों गल करा, क्योंकि एक जो चांसलर दसदा पूरी गल तो तुम समझ सकते हो कि उस मुखी की गल के उत्ते सारिया चीज़ा बिच जी कवर हो जाए। संधु साहब, लॉकडाउन करफ्यू का पहले तो बड़ा कही कि बुरा दौर ही लोगों वास्ते, ढिल्लां मिलनिया हुण शुरू हो गई, आम पटरी ते आ रही है जिंदगी, पढ़ाई खेत्र का की हाल है? पहले तो देखिए स्टूडेंटा ना थोड़ी वैसे तो गल इंटरैक्ट होंगे रहेंगे होंगे, क्योंकि जो थोड़ा सुभाव तुम आम भी स्टूडेंटा ना गल कर लो, यही है भी चांसलर तो गल ही नहीं करूगा। पहले तो स्टूडेंटा का हूँ की लिहाजा बनाया? बिल्कुल तुम ठीक कहा कि बहुत वड्डी चुनौती सी पूरे अकैडमिक जगत के सामने, और बहुत एफर्ट्स करके साडे टीचर्स ने ऑनलाइन असी अपना काम कंप्लीट किया है, और हुण भी इस दे सामने साडे सामने सब तो वड्डी चुनौती है कि सब तो वड्डी मास मूवमेंट जिहड़ी आ एजुकेशन सैक्टर दे विच होनी आ, और असी उस दीआं तैयारियां कर रहे हैं कि असी किवें जिहड़ा नैशनल प्रोटोकॉल हैगा कोविड का असी उहनूं किवें इंप्लीमेंट करना हैगा, किस तरीके नाल असी अपने बच्चों की जिहड़ी स्टडी आ डिले नहीं होण देणी, और असी हर तरह की, क्योंकि उन्होंने प्लेसमेंट्स का भी इशू है, तुम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने इंटरनेशनल भी बहुत सारे बच्चों की एस्पीरेशन है कि असी बाहर जाके अपना करियर बनाना, तो सारिया चीज़ों वास्ते असी अपना प्लान कर चुके हैं। संधु साहब एक चीज़ होर दसो कि जवाक बहुत सारे तो बाहर जाना चाहते थे, बिच ही रुक गया कम, फ्लाइटा फ्लूटा बंद हो गई, तो मापियां दे हमेशा डर रहिंदा, ट्रैवल एजेंटां दा डर इन्ना क पै गया कि वो हरेक कोई किसी दे विश्वास करना नहीं चाहता, किन्ना ही कोई कह दे दिखा दे भी मैंने इन्ने विजे लवाते जी वो करते। हुण एक सानूं पता लग्या कि तुहाडी यूनिवर्सिटी शुरू कर रही है कि बच्चे उरे भी पढ़ सकणगे, विदेश भी पढ़ सकणगे, सब तो वड्डा भरोसा है कि जिहड़े तुहाडे नाम दे नाल भरोसा जुड़िया। दूसरा, माँ बाप नूं इह भी सुखाला हो जाऊगा कि सुरक्षित एक खेत्र कि जे उरे चलो लॉकडाउन जे हजे थोड़ा जिहा वध भी गया जां अदारे नहीं भी खुलदे तो उह पढ़ भी सकणगे बाहर भी जा सकणगे, उह कंसैप्ट की आ सर? देखो जी, एक अंदाजे मुताबिक कोई 10 लाख बच्चा सी जिन्हां ने इस वारी बाहर जाण दा जिन्हां ने प्लान किया, जिन्हां कैनेडा अमेरिका यूरोप और सारे वख-वख देशां दे विच जाण दा उन्हां दा हायर स्टडी दा प्लान सीगा, इमीग्रेशन दा प्लान सी, और जिस तरीके दे हालात बने हैं कि बहुत सारे देशों ने एंट्री बैन की हुई है, कोई एयरलाइन चल नहीं रही, और बहुत सारिया जिहड़ियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच्चों नूं लैंदियां सी वो बंद पईआं ने, और हो सकता है कि एक साल 6 महीने तक ये गल ना ठीक होवे, और असी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमेशा ही असी अपने बच्चों दी आसा उम्मीदों के मुताबिक अपना काम प्लान करते हैं, तो असी देखिया कि बहुत बड़ा गैप आ जाएगा कि अगर एक या दो साल साढ़े विद्यार्थी जिहड़े बाहर जाना चाहते सी नहीं जा पाए तो इन्ना वड्डा गैप जिहड़ा है, स्टडी का गैप भी आ जाएगा, सिस्टम का गैप आ जाएगा, उन्हें फिल किवें किया जा सकेगा? तो साडियां एक या दो जनरेशन जिहड़ियां सी वो इस अपरचुनिटी तो वांझियां रह सकदियां सी।
तो असी की किया कि साड़िया जिहड़ियां यूनिवर्सिटी पार्टनर यूनिवर्सिटी ने जिथे बच्चे जाते उन्होंने सानू ऑथोराइज कर दिता कि तुसी एक तो लैके दो साल तक इत्थे पढ़ाओगे और उस तो बाद बच्चे जिहड़े आ वो ट्रांसफर ले सकते हैं। क्रैडिट ट्रांसफर प्रोग्राम दिता है उस दे विच साडे ते उन्हां दे कोर्स करिकुलम जिहड़े आ मैप कर ले गए आ। उन्हां दे टीचर जिहड़े ने वो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और इत्थे जो खुलिया इत्थे आके भी पढ़ाएंगे और उस दे विच बहुत सारा फायदा यह है। मैं किसी एजेंट जां किसी होर वर्ग ते टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, अपने अपने खेत्र दे विच लोक माहर ने काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझदा कि जिहड़ा ये प्लेटफॉर्म हैगा एक प्रोफेसनल प्लेटफॉर्म आ। एजुकेशन दे विच दोनों संस्थावां दा जदों आप विच टाई अप हो गया, दोनों दा गठजोड़ हो गया, तो उत्थे बच्चे दी सेफ्टी दा जिहड़ा कोई डर नहीं रहिंदा, बच्चे नूं कोई खतरा नहीं है, वो हर तरह नाल महफूज है, वो फिजिकली हैल्थ दे तौर ते महफूज है, उहदे पैसे महफूज है, उहदा फ्यूचर महफूज है, तो सुरक्षित है। उस दे प्रोग्राम दे विच होर बहुत सारे फायदे है। एक तो यह है कि बहुत सारिया स्कॉलरशिप ने जिहड़ियां साढ़े चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे जदों बाहर जाएंगे यूरोप जाएंगे कैनेडा जाएंगे अमेरिका जाएंगे आस्ट्रेलिया जाएंगे जिहड़े बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैगे ने उन्होंने स्कॉलरशिप भी मिलनगियां और बहुत सारिया थावां ते तां साढ़े होस्टल भी फ्री है। अमेरिका दे विच बहुत सारिया यूनिवर्सिटियां साडा टाई अप है जिथे रहण दा भी बच्चे नूं जिहड़ा हैगा बहुत वड्डी सहूलत हैगी आ। और इस दे नाल इक होर वड्डा फायदा है कि बच्चे ने एक जां दो साल जिहड़ा इत्थे क्रैडिट पूरा करना है उहदे विच उहने इंडियन पैसे जिहड़े ने साडे इंडियन रुपी दे विच उहने फीस पे करनी है, जिन्नी फीस नॉर्मल फीस असीं लैंदे आ तकरीबन उन्नी फीस उहने इत्थे देनी है। तो इस दे विच हर तरीके नाल बच्चे नूं जिहड़े बच्चे बाहर जाणा चाहुंदे आ जिहड़े मापे आपदे बच्चिआं नूं बाहर भेजणा चाहुंदे आ उन्होंने कोई घबराने की लड़ नहीं है, किसी चक्कर च पैण की लड़ नहीं है, किसी भरमचाल च पैण की लड़ नहीं है। ये गल हकीकत है कि कोई फ्लाइट नहीं चलती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बहरली खुली, कोई देश अपने नागरिकां बहरलिया नागरिकां नूं लैण नूं तैयार नहीं है। रादर जहाज भर भर के जिहड़े पहला भी गए से वापस आ रहे, चाहे विजिटर गए से चाहे बच्चे पढ़न गए से। और ऐसिया भी चीज़ा सामने आई ने कि विद्यार्थी जिहड़े ऑलरेडी बहर पढ़ रहे थे उन्होंने बड़ी दिक्कत आई हैं क्योंकि उन्होंने जदों पिछों खर्चा नहीं मिलिया और उत्थों दीयां संस्थावां ने उन्होंने संभालण तों इनकार कर दिता, जिथे वो रहिंदे सी होस्टल दे विच अकोमोडेशन उन्होंने कहा कि अकोमोडेशन खाली करो जां पैसे दिओ। तो बहुत वड्डा संकट जिहड़ा बच्चों फेस करना पिया वो साडे लोगों के सामने नहीं आया, हर एक बंदा इंडिविजुअल उन्होंने भुगत रहा जां भुगत चुकिया। तो असी समझते हाँ कि जिहड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म है ये ज़्यादा सेफ हैगा क्योंकि इतने ने बच्चे ने एक साल या दो साल उसकी मर्जी मुताबिक है, अगर आस्ट्रेलिया में जाना एक साल इतने पूरा करूगा, दो साल आस्ट्रेलिया पूरा करूगा, डिग्री उतों की मिलेगी। इस तरीके अमेरिका में जाना दो साल इतने पूरा करूगा, दो साल अमेरिका जाके करूगा, डिग्री उतों की मिलेगी। और सारे ही एडवांटेज जो उत्थे दे हैगे ने चाहे उत्थे उन्हें कोई इमीग्रेशन लेनी है चाहे वर्क परमिट लेना, वह सारे ही बाकी जिहड़े बच्चों को मिलेंगे। तो हर पास्यों बच्चों को इहदा फायदा है। और इस दे नाल एक चीज़ हो ऐड करनी चाहूँगा कि नॉर्मली जो बच्चा बाहर जाता है ना जी जिहड़ा बाकी सिस्टम हैगा चाहे बच्चा सीधा अपलाई करके जाए चाहे एजेंट नहीं जाए उस दे विच एक जगह तो एलट्स करना पैंदा, एक जगह तो स्टडी अपनी कंप्लीट करनी पैंदी है और तीजी जगह तो जाके उसनों अपनी फाइल बनानी पैंदी है जां उन्हें अपना प्रोसैस पूरा करना। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विच की है कि उन्होंने एलट्स भी इत्थे कंप्लीट होएगा, उन्होंने फाइल भी इत्थे कंप्लीट होएगी, उन्होंने इंटरव्यू इत्थे सारा प्रोसैस जिहड़ा उन्होंने सिखाया जाएगा। और उस दे विच बाहरलियां यूनिवर्सिटियां जिथे जाके बच्चे ने बाहरों पढ़ना है जिथे एडजस्ट होना क्योंकि बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ा इतने वो हल हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो सिंगल विंडो सिस्टम एक तरह का वो तुम बनाता कि आईलैट्स पढ़ने वास्ते क्योंकि ये भी एक डर ही होंगे क्योंकि जो एक माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं पहले वो आईलैट्स कर जा रहा किसी शहर के फिर वो बेचारा एजेंट भी लभदा कोई कोई चज्जदा हो कोई वधिया हो कोई ठगी ना हो जाए माँ बाप के पैसे नेगे। तीजा पासा होंगे कि आखिर वो जा कितने रहा वो भी उन्हें चर एक जे कही कि लोग सर्चा करी जाते हैं नैट पर देखी जाते हैं भी ठीक है कि नहीं, यानी कि जो थोड़े को आऊगा वो सीधे तौर पर तो उन्होंने आईलैट्स की फैसिलिटी भी इतनी मिल जाऊगी, दूजे पास एजेंटा ने मगर धक्के खाने की लड़ नहीं, एक विश्वास यानी कि यह दवा सकते हैं कि जेकर थोड़े को आता तो यह टेंशन हूँ तुम लोगे सारिया। देखो जी सब तो वही गल जी सिरे की गल ये हैगी है कि सब तो पहला मापियां नूं बच्चे प्यारे होंगे उन्हां दी जान उन्हां दी सुरक्षा हुंदी आ, सब तो पहले सानू यह देखने की लोड़ है कि साडे बच्चों की सुरक्षा किस काम दे विच हैगी है, वो किवें सेफ है। वो बिल्कुल आ साल डेढ़ साल जिहड़ा हालात ठीक नहीं होंदे वो बच्चों सेफ्टी में रखना चाहिए। दूसरी गल है कि साडे पैसे किवें सेफ है, साडा सपना किवें पूरा होएगा, ये तीन चार सवाल ने जिहड़े इस वेले बच्चों के ते उन्हां दे मापिआं दे दिमाग दे विच जिन्होंने 605 पैदा किया जको तक की है की होएगा कदों होएगा मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता। तो मैं इतने बड़े दावे ना कहना कि किसी भी पासे कन्फ्यूज़ होने की लड़ नहीं है, कोई चिंता करने की लड़ नहीं है, थोड़ी अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी आ इत आओ साढ़े असी काउंसलर भी बिठाए हुए हैं तुम आके इन्हों गल करो थानू हर तरह की जी कलैरिटी होएगी
और असी यह भी कर रहे हैं कि जिहड़ियां कैनेडियन यूनिवर्सिटी आ, जिहड़ियां अमेरिकन यूनिवर्सिटी आ, आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, जिथे भी बच्चे जाना चाहते हैं जिन्हों का साडा टाई अप है, उन्होंने डायरैक्ट असी वैबीनार भी करवा रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर, उन्होंने जिहड़े हैड ने जिहड़े उत्थे दे, वो साढ़े पंजाब के बच्चों वन टू वन गल भी करनगे, इंट्रैक्शन भी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी गल कर सकते हैं, साढ़े लोग भी बच्चे है। तो एक बहुत वड्डी जिहड़ी भरोसेयोगता इस सिस्टम की हैगी कि थोड़ा बच्चा सेफ है, थोड़ा पैसा सेफ है, थोड़ा फ्यूचर सेफ है। और इस दे नाल जदों दस दस जमा दो करके बच्चा 10+2 तो बाद बाहर जाता ना जी, उस वेले बच्चे की उम्र जिहड़ी है बड़ी नाजुक होंदी है। तो इहदा फायदा ही समझो कि अगर बच्चा एक जां दो साल होर इत्थे लगाएगा, एक तां इत्थे दा जिहड़ा यूनिवर्सिटी का माहौल है, इत्थे विदेशी विद्यार्थी होर भी बहुत पढ़ते हैं, 50% तां उहदी लैंगुएज दा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाणी है। जदों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस दे विच रहूगा, उहनूं इंग्लिश बोलनी ही पैणी है, उहदी जग खुल जूगी। दूसरा, नाल असीं ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आइलैट्स उहनूं असीं नाल करवाउणा ही करवाउणा, उहदे आइलैट्स दी प्रॉब्लम ठीक होगी और कर ली। लेकिन सारे नूं वीजा नहीं मिलते। हाँ, ये बड़ी समस्या होती है, बाद च कई बार फेल हो जाते हैं, बाद च दिक्कत आती है। और लेकिन ये प्रोग्राम के विच ये है कि थोड़ी स्टडी इतने अद्धी कंप्लीट की अभी उत्तर करनी है, वीज़ा की जी सक्सैस रेट आ बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी जी है वीज़ा लगन की सारे देशों के, और मैं देखा साढ़े तो 100% वीज़ा भी लग के जोड़े आए है बच्चों के। कोई बहुत ज़्यादा कोई बच्चा इतने गलती कर ले, कोई पास ही ना हो, क्योंकि क्रैडिट जदों इतों कंप्लीट करेगा, शर्त इन्नी है, वो शर्त पूरी करन दे बाद वो बच्चे दी ऑटोमैटिकली इत्थे दी पढ़ाई उत्थे ट्रांसफर हो जानी है, और उत्थे दी डिग्री विच ऐड होके डिग्री उत्थे दी मिलनी हैगी है। तो मेरा ख्याल इस तो वधिया कोई चीज़ हो नहीं सकती। एक चीज़ होर दसो कि जिस तरह के नाल कई मसले भी देखने को मिले, क्योंकि जो खबर पढ़ते रहने या करते भी रहने कवर, तो उस समस्या आ जाती है कई बार कि जिहड़े बाहरों जो जवाक जाते हैं, कई बार अगर यूनिवर्सिटियां दा ढांचा सही नहीं हुंदा, सारी चीज़ नहीं, वो सारियां थोड़े देख परख के कीतियां ने जोड़ियां ने नाल। हाँ, सब तो वड्डी एक गल जिहड़ी तुसीं इह देखी आ कि कई बार बच्चे नाल धोखा ही हो जाता है कि उन्होंने सोचा कुछ होर होंदा, उत्थे कुछ होर निकलता। बड़े लोगों ने बिल्डिंगों में छोटे छोटे दुकाना टाइप कॉलेज खोले हुए हैं, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के टाइप जिहड़ियां बेस्ट यूनिवर्सिटी नाल ने, ताही तो उन्होंने भरोसेयोगता ज़्यादा है, ताही तो उन्होंने वीज़ा ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन साढ़े सिस्टम के उही बच्चा कामयाब है। एक गल मैं जरूर साफ करनी चाहूँगा, जिहड़ा बच्चा वाकई पढ़न की नीयत नाल जाना चाहूँगा, क्योंकि जे बच्चा सोचूगा मैं पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई तो बिना साडा जिहड़ा प्रोग्राम है वह सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि साढ़े को दो साल रहना उत्तों का प्रोग्राम इतने कंप्लीट करना, थोनू कनेडियन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, आस्ट्रेलियन सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम के मुताबिक ही इतने पढ़ाई पूरी करनी पैनी है। अध्यापक साढ़े होणगे, थोड़ा फर्क है, कंफर्टेबल रहोगे तुम कि समझा सकते हिंदी पंजाबी विच भी, लेकिन अल्टीमेटली तुहानू सी तैयार करना उत्थे दे सिस्टम दे मुताबिक। यानी कि सब तो वड्डी एक ये चंगा उन्होंने फायदा मिल जूगा कि एक तो बच्चे ने जाके बिल्कुल नवा सिस्टम देखना, और पहले ही उन्होंने को रच के जाऊगा कि हाँ जी इस तरह की सिस्टम होगा, उसके वास्ते चैलेंज यह होगा कि उन्हें थोड़ा जहा औखा हो जाऊगा, फायदा यह हो जाऊगा कि उत्थे जाके उन्होंने नवा कुछ नहीं लगना, उन्हें उरे मंगू जाके पढ़ाई शुरू कर देनी है। ये ना जी बहुत वड्डी समस्या होंदी है कि जदों तुसीं कि नवें देश, नवें सभ्याचार, नवीं धरती ते जाना, नवा कल्चर, नवीं बोली, नवीं भाषा, हर तरह चीज़ां नवीं है, तो तुसीं फैमिलियर होकर जाओगे, तुहाडा हौसला बड़ा बुलंद होएगा, तुसीं ज़्यादा कामयाब होवोगे। अगर तुसीं एक नवें माहौल दे विच बिल्कुल अलड़ उम्र दे विच, अलड़ पुणे विच जाओगे तो चुनौतियां ज़्यादा होणगियां, साडे बच्चों नूं बड़ी स्ट्रगल करनी पैंदी है, आउंदी है। और इस दे नाल ना जी फायदा बहुत आर्थिक तौर पर, हुण देखो तुसीं इहदे कोविड-19 करके, करोना करके कारोबार जिहड़े लोकां दे विचारियां दे बहुत प्रभावित होए ने, पैसे की तंगी हर इक नूं हैगी आ, तो मैं समझदा कि कोई पैसा पट्टण की लोड़ नहीं है कि तुसीं पहला हेल्थ सेंटरां दे पैसा पट्टदे हो, फिर तुसीं होर पैसा पट्टदे हो। मैं किसी वर्ग के खिलाफ कोई गल नहीं करनी चाहुंदा, पर हकीकत यह हैगी आ कि बहुत वड्डे खर्चे जिहड़े आ करन दी लोड़ नहीं है। तुसीं एक जां दो साल अपने बच्चे की सेफ्टी का ख्याल करो, इत्थे पढ़ाओ, जिहड़े भी देश जाना चाहुंदे हो, देखो इस तो वड्डी ऑप्शन की हो सकती है, तुसीं कनेडा जाना, तुसीं अमेरिका जाना, तुसीं यूरोप के किसी देश में जाना, तुसीं आस्ट्रेलिया जाना, तुसीं किसी भी दुनिया के कोर्नर जाना, ये भी है नहीं गा भी कोई सिलेक्टेड जे देश थोने रखे ने, सारे नाल ही सारे टॉप दे कंट्री ने जी, तो अच्छियां यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छे कॉलेज है, और उस दे विच डिस्काउंट है, उस दे विच कंसेशन है, उस दे विच स्कॉलरशिप ने। मैं तुहानू दस्सिया कि बहुत सारे ऐसियां इंस्टीट्यूशन है जिथे उन्होंने कहा कि तुहाडे बच्चे नूं रहना भी फ्री करांगे, असीं तुहाडे बच्चों वास्ते असीं फीस दे विच भी छूट देवांगे। सारे विच नहीं है, लेकिन जिहड़ियां ऑप्शन जिहड़े बच्चे जिस मैरिट दे होणगे उन्हां नूं उस तरीके नाल बेनीफिट मिलेगा। फिर इत्थे दे माहौल दे विच जिहड़ी तैयारी हुंदी है बच्चे दी, जिहड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हुंदा, जिहड़ा आत्म विश्वास भरोसा हुंदा, मेरे ख्याल उहदी जिंदगी भर उहदे उह कामयाबी दा इक बहुत वड्डा उहदा बेस बण जांदा।
एक चीज होर दसो, जिहड़े आम जो जवाक जाते हैं गे, ये भी कितने कितने जवाकों का रहता भी चलो असं थोड़ा बहुत काम कर लिए, जिमें कि जो आम सिस्टम के नाल जाते हैं, थोड़े सिस्टम च वह फैसिलिटी भी मिलेगी कि उत्थे जाके जो उन्होंने जो भी ऑप्शन मिलदियां ने, घट मिलन वध मिलन जो भी रहिंदियां ने, यानी कि वह सिस्टम जे उत्थे सही जाते हैं जिहड़े बच्चे गए हुए हैं पहला, तो उही उन्होंने भी मिलेगी फैसिलिटी, यही है भी उरों जे जा रहे हैं तो उन्होंने अगे वो जगह ना मिलेगी। 100% जदों ये बच्चा उत्थे ट्रांसफर होएगा सारिया ही सहूलतां सारे ही हक जिहड़े डायरैक्ट एडमिशन दे विच उत्थे मिलने ने सारे ही उन्हों मिलणगे। रादर उस तो ज़्यादा अच्छा ही होएगा कि जदों ये बच्चा जाएगा, साढ़े जिहड़े पुराने बैच के बच्चे साढ़े तो हर साल बच्चे जा रहे हैं जी, हुण तां असीं स्पैशल इस सिचुएशन करके असीं खोल दिता, असीं सीटां रिजर्व कर दित्तियां, असीं वख-वख कोर्सां विच अमेरिका वास्ते सीटां रिजर्व कर दित्तियां, कनेडा वास्ते कर दित्तियां, आस्ट्रेलिया वास्ते कर दित्तियां, यूरोप वास्ते कर दित्तियां, वो बैच ही वक्खरा चलूगा और उस बैच के बच्चों ने उत्थे जाना, उन्होंने पढ़ाई भी उस तरीके होएगी, प्रोग्राम भी उस तरीके का होएगा, तो उत्थे जो जाएंगे उत्थे जो पहला बच्चे साढ़े गए स्वागत करेंगे, वो हेल्प करेंगे। मान लो किसी ने उत्थे रहने वास्ते कमरा लभना, उन्होंने होस्टल नहीं लेना, बाहर रहना चाहता, वो साढ़े बच्चे रह सकता, वो बच्चों उन्होंने कोई दिक्कत आती है, लोकल उन्हें समझना चाहता, उन्होंने किसी तरह की हेल्प चाहिए आ, वो एक उत्थे साड़ी एसोसीएशन बनी हुई है बच्चों की, एलमनी एसोसीएशन जी कि उन्होंने। हाँ, ये चीज़ भी जी थोड़ा जिक्र कराया, ये आँदी है समस्या, क्योंकि उत्थे जाके कई बार अगले होंगे भी चलो असं होस्टल नहीं रहना, असं अलग रहना है, कोई सिस्टम होंगे हरेक किसी का, तो फिर उत्थे लभदे फ्री ने, महंगा मिले जी, सस्ता मिले, कितने चंगी थावे मिल जाए, क्योंकि भरोसा हरेक थावे नहीं किया जा सकता, यानी कि इस चीज़ के भी उन्होंने फायदा मिलेगा, पहला सिस्टम बना रखा हुई पूरा तुमने। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक प्रोफेसनल चैनल है जी, एक बहुत ही वधिया तरीके का है कि थोड़ी हर चीज़ थोड़ी सुरक्षित है, तुम सुरक्षित हो, थोड़ा पैसा सुरक्षित है, थोड़ा बच्चा सुरक्षित है और थोड़ी वीजे की कोई दिक्कत नहीं। कल एक चीज़ होर दसो समझ साहब, होर भी जिन्हें देखने वाले ने उन्होंने ये भी क्लीयर कर दो, चलो बच्चा सपोज करो थोड़े को 2 साल ला गया, उरे साल ला गया, जो यानी कि 50% एरिया उरे रह जाता, 50 उत्थे जाके पूरा कर लाता, कल जवाक में कोई समस्या आ गई, कोई माँ बाप में समस्या आ गई, यूनिवर्सिटी मदद करूगी उन्हों की, थोड़े को आ जाते हैं जी साडा तो बच्चे उत्थे आ चीज़ दिक्कत आ रही है, फलो पढ़ो उस सिस्टम के दौरान रहा, फिर भी इन्नी हल्लाशेरी हैगी भी आके उरे आपका वो कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जदों भी समस्या आती है संस्था टू संस्था जी, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी टू कॉलेज सीधा राबता होंगे, वो सब तो पहला उन्होंने फस्ट मापे असी हैं, वो यूनिवर्सिटी जी सब तो पहले सानू दसूगी कि थोड़े बच्चों, हूँ मैं पिछले कनेडा ओकनागन उत्थे कॉलेज हैगा, बहुत वधिया सरकारी कॉलेज है, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, साढ़े बच्चे उत्थे 120 बच्चे हर साल जाते हैं, और मैं स्पैशली उत्थे मैं कनेडा गया से अपने काम, मैं जाके आया, मैंने उन्होंने प्रेजिडेंट ने बुलाया, मैं मैंने बच्चे मिलाओ, मैं बच्चों मिलया, इन्ने खुश बच्चे और हर तरह नाल जिहड़े पुराने बच्चे से उन्होंने उन्होंने हेल्प की, और असी कोशिश करते हैं कि असी भी साल में एक अद्धी वारी जाके जां साडे प्रोफेसर इत्थों जाके उन्हां बच्चों का हाल चाल पुछन, साडे पुराने बच्चे उन्हां दा हाल चाल पुछदे ने, लेकिन जिहड़ी गल तुसीं कही है कि उन्होंने कोई किसी तरह की उत्थे दिक्कत आउंदी है जिहड़ी कि उन्हां वल्लों ना क्रिएट कीती होवे किसी संस्था वल्लों, वो बिल्कुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जदों तक उन्हां दी डिग्री कंप्लीट नहीं होंदी असी उन्होंने फुल सपोर्ट जिहड़ी है इत्थों दिंदे। बिल्कुल कहा जा सकता कि हुण तुसीं देखो कि सारियां गल्लां असीं आपदे तौर ते एक वारी पुछ लईआं ने कि आम तौर ते हुंदा ही है, पहला स्टैप इह हुंदा कि तुहानूं एजेंट सही मिले, जे तुसीं इत्थों दी होके जाने हो तां यूनिवर्सिटी पूरा ध्यान आखिर तक बच्चे दा रखूगी, ये भी संधू साहब ने क्लीयर करता, नाल ही सब तो वड्डी गल ये भी हुंदी है कि आईलैट्स वास्ते धक्के खाने ने, अगे कई वारी आईलैट्स वाले नहीं सही मिलते बच्चों तो ही नहीं पूरा हुंदा, दूजे पासे हुंदा कि माहौल सब तो वड्डी जरूरी चीज़ यह हुंदी है कि माहौल जो बच्चे बाहरला उरी देखने मिल गया तो अद्धा तो वो इत्थे तैयार हो जाता, तो सारिया चीज़ा जो मिल रही हो कह सकते हैं कि एक नवा राह खुलता हुआ दिखाई दे रहा। लॉकडाउन करफ्यू ने जिंदगी के बहुत वड्डे इफेक्ट पाते हैं, सब तो वड्डी जी गल की जाए चिंता वधाती है, तो मापियां लई कह सकते हैं कि अद्धी चिंता इतने दूर होंगी भी नजर आऊ कि जेकर उन्हों का सुपना कि उन्हों का बच्चा बाहर जाके पढ़े या बच्चे का सुपना है तो वह जोड़ा यह टाइम पीरियड हूँ लंघ रहा, कई बार बच्चों का यह होंगे कि हूँ जो टाइम लंघ रहा है उन्होंने लगता कि बाद रिकवर किमें करेंगे, बहुत बड़ी समस्या आती है, तो एडमिशन लै सकते हैं, एडमिशन लैके आपका टाइम कवर होनी तो कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, तमाम समस्या तो बाद जो कही कि एक चंगा राह खुलता दिखाई देता, फैसला तुहाडा होगा, पर साडी कोशिश यही सी कि आखिरकार इस दौरान पढ़ाई पर असर ना पवे, थोड़े सुपन पर असर ना पवे, ताइयों करके असी इस सारी चीज़ों के जोड़े सवाल ने वो जवाब लैन की कोशिश करी है कि एक राह जोड़ा सौखा तो सुरक्षित ते मापियां लई सब तो वड्डी गल उन्हां दे जवाक सेफ रहणगे आखिर तक, यह एक तुसी आपदा जिहड़ा कि विश्वास है जता सकदे हो। वीडियो जर्नलिस्ट कमल दे नाल सुमित जोशी, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़।